नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जेएसवी नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जेएसवी के सर्विस के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, जिसमें डीजल और ये जो आयल पल्टी करना है और डीजल फिल्टर और आयल फिल्टर तीनों चीज़ बता रही है। हम सबसे पहले इसका आयल निकाल लेते हैं। ले बाल्टी लेके दोस्तों, सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं इसमें आयल कहाँ से निकालते हैं। उसका ऊपर ना खाते वो लेके आ दोस्तों। देख लीजिए ये बॉटम ने खोल दिया है, और ध्यान रखें मशीन जब गर्म हो तो आयल का बोल्ट नहीं खोले, क्योंकि उससे आपका हाथ भी जल सकता है। तो थोड़े मशीन को ठंडा होने दें, उसके बाद में आयल का बोल्ट खोलें। हमारी मशीन थोड़ी गर्म थी, फिर तो इसमें क्या है, आयल थोड़ा गर्म ज़्यादा है। दोस्तों हमारी मशीन को सर्विस करे हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए आयल भी बहुत कम निकलेगा इसमें। दोस्तों आयल तो निकलता रहेगा जब तक हम फिल्टर को ले रहे। सबसे पहले अपन आयल फिल्टर खोल दें। कपड़ा कहाँ पे है? दोस्तों देखिए, ये इसका डीजल फिल्टर जो आयल फिल्टर आता है वो यहाँ पे आता है। दोस्तों हमारे पास तो क्या है नहीं अभी, तो क्या है हम ऐसे ही खोल रहे हैं इसको। देखिए दोस्तों ये डीजल इसका ऑयल फिल्टर खोल दिया है हमने, और अब इसको साफ कर ले सेटिंग से, इसमें कचरा वचरा नहीं रहे। और इसका दोस्तों ये जो 3DX मशीन है जैसे भी, इसमें क्या है दो ही फिल्टर आते हैं, डीजल इसका ऑयल फिल्टर होता है वो एक ही आता है इसमें। ये देखिए सर, इसमें ये डीजल फिल्टर है जो हम खोल रहे हैं, थोड़ा क्या टैग कसा हुआ है ये। दोस्तों ये डीजल फिल्टर इसका खोल दिया है हमने, ये जो है सफाई करेंगे। तो आज हम आपको तो दिखाते हैं, ये देखिए देखिए दोस्तों, ये इंजन ऑयल लेके आए हैं हम कंपनी से, ये ओरिजिनल इंजन ऑयल है। और कभी भी 3DX मशीन में जब भी ऑयल डाले ओरिजिनल ही डाले, और जो वो है फिल्टर लेके आए। ये देखिए दोस्तों ये है, और ये है डीजल फिल्टर। दोनों फिल्टर नए आए हैं कंपनी से, बहुत महंगे आते हैं। हम सबसे पहले इसमें डीजल फिल्टर चेंज, ये जो ऑयल फिल्टर है इसको चेंज कर लेते हैं। चलो दोस्तों इसकी सफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कचरा वचरा कुछ भी आ जाता है तो उससे क्या फिल्टर चौक हो जाता है। दोस्तों नया डीजल फिल्टर का ऑयल फिल्टर चेंज कर रहे हैं, दिक्कत तो है नहीं होती है मुझे। Thank you.
दोस्तों ये जो बोर्ड है ये आयल डालने के लिए इंजन में सेम आयल डालेंगे इसमें नया। तो इसका डीजल फिल्टर भी डाल देते हैं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। स्टेप हम आपको समझा रहे हैं इसमें कैसे डीजल फिल्टर डालते हैं और कैसे ऑयल फिल्टर डालते हैं। दोस्तों इसमें क्या है, अभी थोड़ा डीजल है हमारे पास, कोई ऐसा साधन है नहीं जिसमें डीजल निकालें। डीजल की बोतल पड़ी है यार, निकाल लेते हैं ये वीडियो में क्या प्रॉब्लम आएगी। चलो इसको ऐसे दोस्तों बहुत दिन हो गए इसको और हमारे पास इसका क्या पाना है नहीं, इसलिए थोड़ा क्या टाइट खुल रहा है। तो इसको हम बाद में कोशिश करेंगे, इसके बारे में बता देते हैं। आए डाल देते हैं दूसरी लाइन देखते हैं निकल गया नहीं निकला पूरा, कितना आयरन निकला इसके अंदर कितना।
ये देखिए दोस्तों कितना फायर निकला है हमारे मशीन के अंदर। कितने 15 लीटर में से 10 लीटर ऑयल नहीं निकला इसमें।